इस समय भगवान भोलेनाथ को मनाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, आपकी आयु में किसी प्रकार की घटना नहीं घटेगी, फुल आयु आपकी रहेगी और जो भी दुर्घटना आने वाली होंगी वो कट जाएंगी, मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। या बाबा भोलेनाथ का यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है, विधि विधान से करना चाहते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और बस एक लोटा जल चढ़ा दें और उसके बाद दूसरे दिन अपने जो पार्थिक शिवलिंग इत्यादि हैं, जो आपने रुद्रियां बनाई हैं, जो सा परिवार बना के पूजन किया है, गंगा जी में, जमुना जी में पास की कोई भी पवित्र जलधारा है वहां विसर्जन कर दें, लेकिन पाप ना फैलाएं कि आपने पूजा तो करी और बाद में छोड़ दिया, वो लाखों लोग लातों से खूंद रहे हैं, उनको कोई भी चाट रहा है, कुछ भी हो रहा है। आजकल कुछ धंधेबाजी लोगों ने इसकी प्रथा चला रखी है, सैकड़ों सैकड़ों ट्रक मिट्टी मंगा लेते हैं और उनका सीधा हिसाब रहता है कि एक व्यक्ति का संकल्प 10 रुपए का होगा और 100 का हो गया तो बहुत ही बड़ी बात है, और 10,000-20,000 लोग आ गए और 10,000-20,000 है, 50,000 लोग किसी नेता ने कोई कार्यक्रम कराया, कोई किसी बड़े अच्छे व्यक्ति ने कराया, गांव के चलतेदार व्यक्ति ने कराया, और कहीं 40-50,000 1,00,000 लोग आ गए तो 100 रुपए का गुणा कर लीजिए कितना हुआ, तो अगला व्यक्ति तो पैसे लेके चला जाएगा क्योंकि तुमने संकल्प दिया है, तभी पूजा लगेगी। लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया कि पाप भी कितना लगेगा। जिन शिवलिंगों को, जिस रुद्रियों को आपने बनाया है, उनका पूजन करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी जगह उनको विसर्जित कर दें, तब पुण्य प्राप्त होगा। आप पूजा करके चले गए, अब लाखों टन मट्टी जगह जगह हो गई, अब कौन ले जाए, कहां फेंके, तो उन्हें कि डाल दो ही। बाद में आए नगर निगम के लोग, उनने अपना सूपा चलाया, शंकर जियों को कुचर के फेंक दिया और उसके बाद जो आपने चावल चढ़ाए, बेलपत्रियां चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाई आदि और भी कुछ चढ़ाया, सब लातों में कुचरते कुचरते भगवान का प्रसाद, भगवान भोले बाबा का हो या किसी देवी देवता का, वो देवता आपको शराब दे देते हैं, आपको लाभ नहीं मिलता। लोग कहते हैं अरे हमने इतनी पूजा की, बड़े मन से की, हमने 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लगाए और हमको उसको लाभ ही नहीं मिल रहा, हम तो 1,00,000 रुपया खर्च करके आए, फलाने महाराज जी के शिविर में गए थे, वहां हमने रुद्रियां बनाई थी, अभिषेक कराया था, 1.25 करोड़ मंत्र का जाप भी कराया था, लेकिन लाभ ना मिला, उल्टा हो गया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ही कोई कुछ लेगा तुम्हें कैसे लगेगा, जब याद तुम आशीर्वाद दे सकते हो, हम और आप लोग आशीर्वाद नहीं दे सकते। जब कोई तुमको कुचलता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, कोई क्यों ना हो, घर का ही पति पत्नी क्यों ना हो, आपस में ही यदि कुछ ऐसे विचार सामने आ जाते हैं तो क्या आप लोग एक दूसरे को माफ कर पाते हो? ये तो देवी देवता है, इनसे आप कामना करके गए हो, कुछ मांगने गए हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप अपने घर बैठ के ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और एक लोटा जल अपने ही घर के 1-2-5 kg मिट्टी मंगा करके सा परिवार बैठ करके, अपने 2-4 पड़ोसियों को बुला करके संकल्प लेकर के और आप पूजा चालू कर दीजिए और उसके बाद आपकी पूजा पूरी हो जाए तो दूसरे तीसरे दिन आप अपने साथ में ढोल बजा करके ले जाइए, गाते बजाते जाइए, और बरसात में नदियां बहुत चढ़ी रहती है तो उतरिए मत, प्रणाम कीजिए और आराम से विसर्जन घाट से कर दीजिए और मार्जन करके चले आइए। यदि और उसके बाद कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो स्नान भी कीजिए, फिर घर पे आकर के कन्या भोज, ब्राह्मण भोज, गौ या कोई भी और दान पुण्य जो भी आप करना चाहते करिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका लाभ मिल जाएगा और कोई पूजा खंडित नहीं होगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैंने आज आपको दिया है। इस समय चौमासा
चतुर्मास के जो चार महीने हैं ये साधकों के लिए बड़े लाभदायक हैं और जो भक्त हैं उनके लिए भी बड़े लाभदायक हैं। और विशेषकर जो भगवान शंकर भोलेनाथ का भक्त है उनके लिए तो कहना ही क्या है। ये तो मान के चलें जहाँ करोड़ों की संपत्ति लगती है किसी देवता को मनाने में, लाखों की संपत्तियाँ लुट जाती हैं और करोड़ों की संपत्तियाँ भी लगा देते हैं, वह नहीं मिलता है जो बाबा भोलेनाथ से प्राप्त होता है। और साधारण पूजा मिट्टी के पार्थिक शिवलिंगों को बनाकर रुद्रियों का जो अभिषेक करता है, पांच बेलपत्रे 11 बेलपत्रे नहीं है तो दो, वैसे तो 11 बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, 108 फिर वो आपकी पूजा बड़ी हो गई, 1108 1.25 लाख जितना भी करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। कम से कम पांच बेलपत्री नहीं तो 11 और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर दीजिए, अक्षत 7 चढ़ा दीजिए और बार बार भगवान भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आपको ये मान के चलिए महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र से जो विधान, जो सफलता, जो लाभ, जो पुण्य प्राप्त होता है मात्र ओम नमः शिवाय बोलने से, जल चढ़ाने से मिल जाता है। बहुत बड़ी सामग्री नहीं है, यदि आपने भांग चढ़ा दी तो बहुत ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भांग मत चढ़ाइए क्योंकि फिर भांग चढ़ाओगे तो तुम प्रसाद भी लोगे, प्रसाद लोगे तो घर वाले लोग कहेंगे महाराज ने बिगाड़ दिया। मेरी बात अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। धतूरे इत्यादि के जो फल हैं बाबा पर चढ़ा दीजिए और आप जो चाहो वो मांग दीजिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय घर घर रुद्रियां अभिषेक, ब्राह्मणों के सहयोग से या स्वयं भी अपनी आस्था श्रद्धा रखते हुए बाबा भोलेनाथ को मना लीजिए। आपको जगह जगह धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुनिया के देवाधिदेव ऐसे महादेव हैं, बस दिल से मांग के तो देखिए और उनके दिल से पूजा अर्चना कर लीजिए, आपका बड़ा से बड़ा संकट पल झपकते आपका संकट कट जाएगा। आयु के जितने भी गति अवरोध हैं जीवन में चलने वाले, जो आयु में, जो वृद्धि में, आपकी खुशहाली में जो दुर्घटना की मोड़ आती है, मात्र बाबा का स्पर्श करने मात्र से आपकी बाधा और गति अवरोध, जीवन की दुर्घटना उसी क्षण कट जाती है जिस समय आप बाबा भोलेनाथ का स्पर्श कर लेते हैं। किसी भी विग्रह, किसी भी पार्थिव पूजन का घर बैठे सफलता प्राप्त हो जाती है।